हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ओल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित पद्यावतरणों की सहप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, इसमें सहप्रसंग व्याख्या करनी, तो कह की बात कर लेते हैं। इसके आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और सहप्रसंग व्याख्या में आपको जैसे सहप्रसंग करते हैं तो इसमें से लिखते हैं कवि का नाम या लेखक का नाम, कुछ भी है इसमें आपको कवि का नाम लिखना है। और व्याख्या में आप इसका हिंदी में अनुवाद करके वैसे आपकी भाषा में वो लिख सकते हैं। तो दो नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं पहले क्वेश्चन। पहले नंबर में खा जाता है, देख सकते हैं आप इसको, और इसकी भी व्याख्या करनी है आपको। सहप्रसंग व्याख्या में आपको सहप्रसंग में तो लिखना है कवि या लेखक का नाम, और व्याख्या में आपको आपकी भाषा में इसका हिंदी अनुवाद करके लिखना है आपको अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में गद्यावतरण में सहप्रसंग व्याख्या करनी है, इसमें से आपको व्याख्या करनी है, और इसमें आपको देख सकते हैं वो सहप्रसंग आपको लेखक का नाम या कवि का नाम जो भी है जो आपको लिखना है आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और खैम में भी यह व्याख्या करनी है आपको, अथवा में है देख सकते हैं, और खैम में भी आपको व्याख्या सहप्रसंग व्याख्या करनी है देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब तीन नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीन नंबर में क्या है, तुलसी के काव्यों की विशेषता बताइए, और इसके अथवा में कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, साधारण समीक्षा कीजिए। तो ये 7.5 नंबर का आप देख सकते हैं। और खै में देख लेते हैं, निराले के काव्य में गरीब तथा शोषित जन के प्रति गहरी सहानुभूति है, सिद्ध कीजिए। और इसके अथवा में पंत के काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो ये तीन नंबर प्रश्न था। अब चार नंबर के कह की बात कर लेते हैं, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषता बताते हुए नशा कहानी का उद्देश्य बताइए, और इसके अथवा में वापसी कहानी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है, कथन को कहानी के आधार पर समीक्षा कीजिए। और इस चार नंबर के खय की बात कर लेते हैं, तो यह है आचरण की सभ्यता निबंध प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में बसंत अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 7.5 नंबर का है, देख सकते हैं नंबर। अब आगे पाँच नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पाँच नंबर के कह की बात कर लेते हैं, इसमें निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर सांग्रभित निबंध लिखना आपको। पहले संचार क्रांति, सेकंड है पुस्तकालय का महत्व है, तीन नंबर है, थर्ड है विद्यार्थियों जीवन और अनुशासन, और फोर्थ है स्वच्छ भारत अभियान। इसमें से चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है। अब पाँच नंबर क्वेश्चन के खै की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक उक्ति का पलवन कीजिए, आपको पलवन करना है। फर्स्ट है इसका खै का, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। सेकंड है करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। थर्ड है परहित सरीस धर्म नहीं वाही परमीड़ा सम नहीं अदमाई। अब पाँच नंबर क्वेश्चन के गय की बात कर लेते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण एक तिहाई शब्दों में आपको एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए, और उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसमें आपको शीर्षक लिखना है गय में, तो आप देख सकते हैं शीर्षक लिख, अथवा में भी देख सकते हैं आपको शीर्षक लिखना है इसका। आगे गय की बात कर लेते हैं, पाँच नंबर के राजकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशक भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को एक पत्र लिखना है आपको, आपको इस पर एक पत्र लिखना है। और अथवा मैं अपने शहर की नगर पालिका पालिका के अधिशाक्षी अधिकारी के नाम पर एक कार्यालय पत्र लिखिए, जिसमें आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई करने के हेतु अनुरोध किया जा सके। तो आपको सफाई करने पर आपको पत्र, दोनों में से एक पत्र लिखना है। अब सेकेंड आ जाता है, सेकेंड आ जाता है अपने आप को छात्र संघ, आपको खुद को छात्र संघ अध्यक्ष मानते हुए आपको राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय शिक्षा मंत्री को छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन हेतु आमंत्रण पत्र लिखना है। आपको शिक्षा मंत्री के लिए आपको खुद को छात्र संघ मानते हुए आपको एक पत्र लिखना है। और अथवा में आ जाता है किसी भी एक कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, आपको एक प्रारूप प्रस्तुत करना है, दोनों में से एक करना है आपको, एक इसमें से चार नंबर का है आप देख सकते हैं। अब डैक की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच शब्दों के हिंदी
पारिभाषिक रूप लिखिए, आपको हिंदी में लिखना है। पहला फर्स्ट आ जाता है एकेडमी, सेकंड आ जाता है एडवांस, थर्ड आ जाता है आर्टिकल, फोर्थ आ जाता है ऑडिट, फाइव आ जाता है डिस्पोजल, सिक्स आ जाता है इंडिकेटर, सेवन्थ आ जाता है जूनियर, एट आ जाता है पेरोइड। चय की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच शब्दों का संधि विच्छेद करना आपको। हरीश, रमेश, पहला फर्स्ट आ जाता है हरीश, सेकंड आ जाता है रमेश, थर्ड आ जाता है वधूस्व, फोर्थ आ जाता है एक एक, फाइव आ जाता है अनवंती, सिक्स आ जाता है पावक, सेवन आ जाता है वार्ड में, एट आ जाता है सरोज। अब छः की बात कर लेते हैं, निम्न में से ये पाँच नंबर का आप देख सकते हैं, दोनों पाँच नंबर के हैं। आपको संधि विच्छेद भी पाँच नंबर के, और हिंदी में आपको इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना, इसको भी ये भी पाँच नंबर का है। अब छः की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में इसके दो वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। रामायण फर्स्ट आ जाता है, रामायण सबसे सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ है। सेकंड आ जाता है मेरा तो होश उड़ गया। थर्ड आ जाता है साहित्य और जीवन का घोर संबंध। और फोर्थ आ जाता है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। फाइव आ जाता है प्रत्येक को तीन तीन पुस्तकें दीजिए। इसमें से आपको आप कर सकते हैं कि नहीं, दो को वाक्यों में शुद्ध कर सकते हैं, ये नॉर्मल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जया की ये बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दो मुहावरे का अर्थ भी बताना और वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है आंखों का तारा, सेकंड आ जाता है कंगाली के आटा गिल्ला, थर्ड आ जाता है कांट का कुल्लू, फोर्थ आ जाता है बंदर के बल्ला, तबेले के सिर पड़ना, फाइव आ जाता है हथेली पर सरसों जमाना। जय की बात कर लेते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के विद्वों के